ये वाला आप मॉडल खोल रहे हो, कौन सा मॉडल है ये भाई? O9 बोलते हैं, O9। अच्छा, O9 सिंगल बैटरी वाली है। अच्छा, सिंगल बैटरी वाली है। तो इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज 75 में। तो लो भाई, इसको मैं ऑन करता हूँ, तो देखो इसका स्पीडर मीटर इस तरह का है। IQ की बैजिंग आ रही है। देखो साइड में ये खड़ा अपने ये रहा जुपिटर का, बहुत ही चल रहा है भाई ये वाला मॉडल ट्रेंडिंग में। देख सकते हो, ये रहा, देख रहे हो भाई। मतलब यार यही मेरे को ना इसकी लुक भाई एक नंबर की लगती है यार, जितने भी आ रहे हैं। इसकी भी ठीक है, लेकिन भाई सबसे बढ़िया ये लगती है TVS का। देखो 120cc वो खड़ा हुआ जुपिटर का, लेकिन भाई लुक के मामले में ना ये एक नंबर का है भाई। आप कमेंट करना भाई, तीनों में से कौन सा बड़ा बढ़िया है। देखो भाई, ये डिलीवरी के लिए जाने वाला, तो भाई अंकल ने इसको रेडी कर दिया है। रुको रुको रुको, पाँव लगाओ आप करो। अरे लो भाई, तरह ये भाई पता क्या, शोरूम पे जब गाड़ी आती है ना भाई, नहीं तो पता क्या, देखो यहाँ पर तेल रखा हुआ अंकल ने, तो मतलब शोरूम पे जब गाड़ी आती कंपनी से तो तेल लगा रहे डाल देते हैं, जो 1 लीटर 1.5 लीटर जो भी तेल होता है। वैसे देखो मेरे सामने खड़ा भी TVS का IQ, और देखो इसमें भाई वो लग रहा है साइड का, देखो वो देख रहे हो। तो भाई इसमें भी लगा रहे हैं एसेसरीज, देखो वो रही IQ के अंदर, ये रहा मॉडल। गाइस पूरी वीडियो देखना भाई, ये इलेक्ट्रिक के अंदर TVS का। तो भाई इसका ना पूरा हटाया जाएगा। और ये क्या अंकल, यहाँ चार्जिंग पोर्ट दे रखा है? अच्छा, इसमें यहाँ दे रखा है। और वो देखो स्कैनिंग करने वाला TVS में जो हर एक में आता है भाई, यहाँ पर दे रखा है। ये है भाई TVS का IQ इलेक्ट्रिक। और बाकी देखो वहाँ पर एथर के स्कूटर खड़े हैं बहुत सारे। इसका सिस्टम देख रहे हो भाई, ये भी काफ़ी मतलब एडवांस चीज़ है इसके अंदर। चाबी भी इसकी लगी नहीं हुई, ये लो भाई इसकी चाबी लगाते हम। तो आप देखना इसका मीटर वगैरह देखना। तो लो भाई, इसको मैं ऑन करता हूँ, तो देखो इसका स्पीडर मीटर इस तरह का है। IQ की बैजिंग आ रही है, और साइड में इंडिकेशन है, और ये वही कंट्रोल सब लाइट के, इंडिकेटर के, हॉर्न के। 43% इसकी बैटरी है अभी। ये हैजार्ड मोड का लाइट है, और ये पार्किंग का है। और इसकी फ्रंट की लुक देखो इस तरह की है भाई, इलेक्ट्रिक में आता है ये। और देखो अंकल ने भी खोल दिया यहाँ पे, थोड़ा सा रह गया है। दो मॉडल आते हैं ये अंकल, ये वाला आप मॉडल खोल रहे हैं, कौन सा मॉडल है ये भाई? O9 बोलते हैं, O9। अच्छा, O9 सिंगल बैटरी वाली है। अच्छा, सिंगल बैटरी वाली है। तो इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज 75 में। अच्छा जी, तो और ये आगे कितने का रहने वाला? 1,16,000 रुपये का। 1,16,000 रुपये का। तो ये डबल बैटरी वाला भी आता है? 1,26 का हो गया, सॉरी। अच्छा, 1,26 का हो गया है। हाँ जी। लो भाई, ये अंकल ने खोल दिया पूरा। यहाँ टक रहा क्या? नहीं, यहाँ टक रहा भाई। इसको ना पूरा खोलना पड़ता है इसकी SSD लगाने के लिए। बाकी एक्टिवा में देखा होगा ना आपने, एक्टिवा में डायरेक्ट यहाँ लगा देते हैं खोल के। बाकी इसका सिस्टम कुछ अलग है भाई। इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? और भाई देखो, फर्स्ट एड की किट्स में यहाँ लगा रखे, टूल किट एरी, फर्स्ट एड एरी। ये लो भाई, इसको कहाँ पर कसेंगे? यहाँ। अच्छा, यहाँ कसा जाएगा ये, यहाँ जगह दे रखी होगी ना? हाँ, जगह दे रखी है भाई, देख रहे हो? यहाँ देखो नट की जगह दे रखी है, इसी के लिए दे रखी है। ये हल्का सा उठाएंगे तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ये। बाकी भाई देखो, उसको मैं अगर इसके हैजार्ड मोड को ऑन करूँगा तो देखो चारों इंडिकेटर्स के ऑन हो जाएंगे। सही यार, लुक वाइज भी अच्छा है काफ़ी है। फ्रंट में डिस्प्ले लगी हुई है इसकी। अभी इसको यहाँ लगा दिया गया, तो इसने क्या, इसमें बोल्ट कस के पूरे साइड में वो अटैच कर देंगे। और इसका जो एडवांस वर्जन है वो कितने का आ रहा है? टॉप एंड वेरियंट पहले ठारों का था, अब जानने कितना हो गया। तो उसकी रेंज कितनी है? तो ये 100 है। तो 75 इसकी है, उसकी 100 है, 25 का अंदर है खाली। दो भाई, ये कस दिया गया, मतलब जरा सा उसको उठाना था खाली, इसको अटैच करने के लिए। अब इससे क्या है, इसकी फिटिंग हो जाएगी। अब इसके पे यहाँ बोल्ट कस के ना वो लग जाएगा पीछे का, जो है ना एसेसरीज। अब भाई देखो साइड में ये खड़ा अपने ये रहा जुपिटर का, बड़ा ही अपना भाई, भाई बहुत ही चल रहा है भाई ये वाला मॉडल ट्रेंडिंग में। देख सकते हो, ये रहा, देख रहे हो भाई। मतलब यार यही मेरे को ना इसकी लुक भाई एक नंबर की लगती है यार, जितने भी आ रहे हैं। इसकी भी ठीक है, लेकिन भाई सबसे बढ़िया ये लगती है TVS का। देखो 120cc वो खड़ा हुआ जुपिटर का, लेकिन भाई लुक के मामले में ना ये एक नंबर का है भाई। आप कमेंट करना भाई, तीनों में से कौन सा बड़ा बढ़िया है। बाकी भाई ये वाला TVS का इलेक्ट्रिक में है, ये लो भाई फिट कर दिया यहाँ पर। अब ये वाला ऐसा आएगा भाई यहाँ पर, इस साइड यहाँ पर जगह दे रखी है बोल्ट की। और इसका स्पीडोमीटर अगर तुम्हें दिखाऊं भाई, तो इसमें भाई टच तो आता नहीं है, लेकिन भाई इसमें ना
जैसे अगर हमको चेंज करना हो तो इसको हम क्लिक करते हैं। अभी क्या है भाई, देखो 43% दिखा रहा है ना बैटरी का। ये लो भाई फिट कर दी यहाँ पर साइड में एक्सेसरीज, और यहाँ से बस इसको बोल्ट लगाना बाकी है। और आगे देखो, आगे भी लगा दी गई है, मतलब ये लगाते हैं लगो सेफ्टी के लिए। देखो भाई ये डिलीवरी के लिए जाने वाला, तो भाई अंकल ने इसको रेडी कर दिया है, तेल वगैरह डाल दिया भाई इसके अंदर। रुको रुको रुको, पाँव लगाओ आप करो। अरे ये फिसल रही है ना, थोड़ी ये भाई। पता क्या, शोरूम पे जब गाड़ी आती है ना भाई नहीं तो पता क्या, देखो यहाँ पर तेल रखा हुआ अंकल ने, तो मतलब शोरूम पे जब गाड़ी आती है कंपनी से तो तेल वगैरह डाल के देते हैं, जो 1 लीटर 1.5 लीटर जो भी तेल होता है वो यहीं से डालते हैं। तो कैसे स्कूटर भी रेडी हो चुका है देख लो, बस ये बोल्ट कसने बाकी थे भाई, और ये भी रेडी कर दिया है देखो, शीशे वगैरह लगा दिए हैं। और भाई ये जो एसेसरीज है ना भाई, जब ये जो जिनकी गाड़ी है वो बोलेंगे तो लगाई जाएगी भाई ये, क्योंकि जो ये रेडी हो चुका है तो उस पर लगा दी गई है। ये देखो भाई, बाकी जिसको पूरा रेडी कर दिया है इसमें ये शीशे लगा दिए हैं, और साइड में जो फुटरेस्ट होता है ना ये लगा दिया गया है। और भाई नीचे वेयर हाउस और पूरा गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो गाइस ऐसी ना इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि भाई मैं ना आने वाले टाइम में ना मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसमें आपके डेली ब्लॉग्स भी होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगी, व्हीकल्स रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, कार्स बाइक्स से रिलेटेड, तो उसके लिए बने रहो ठीक है। और इंस्टाग्राम के डिपेंशन करिए, वहाँ जाकर फॉलो कर लेना, नए हो सब्सक्राइब करना ठीक है। आपसे मिलता हूँ, बाय।